गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 18 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज दिन के के दिन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है साथ ही साथ दोस्तों हम लोग रिविजन भी करते चलेंगे तो पूरी आपको ध्यान से देखना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है चलिए बात करते हैं लास्ट लास्ट डे डे के की का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वर्तमान में एशियाई विकास बैंक से कितने देश जुड़े हैं तो एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों अड़सठ अगला था हाल ही में किस राज्य सरकार ने फूड बैंक नामक पहल शुरू की तो मणिपुर राज्य सरकार ने इसे शुरू किया था इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था उन टॉप फिफ्टीन लोगों के नाम में आपको वीडियो के इंड में बताऊंगा चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितना किया तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने दोस्तों रिवर्स रेपो रेट घटा करके कर दिया है 3.75 परसेंट रिवर्स रेपो रेट इसमें दोस्तों 25 बी की कटौती की गई है बी क्या होता है बी मतलब होता है बेसिस पॉइंट एक परसेंट में 100 बी होते हैं ठीक है यानी कि 25 बी का मतलब कितना हुआ 0.25 परसेंट ओके तो अब 0.25 परसेंट की कटौती की है यानी इससे पहले था 4.0 परसेंट ठीक है ये तो था रिवर्स रेपो रेट इसकी कटौती की गई है अभी आपको पता हो कुछ दिन पहले ही आर ने रेपो रेट में कटौती की थी तो रेपो रेट में कितनी कटौती की थी जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का या कहें कि 75 बीपीएस का ठीक है तो अब रेपो रेट हो गया है दोस्तों फोर पॉइंट फोर परसेंट और वहीं बैंक रेट है दोस्तों फोर पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट चलिए फिर से साफ साफ लिख दे रहा हूँ बैंक रेट है दोस्तों 4.65 परसेंट ओके रेपो रेट है 4.40 परसेंट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है जो कि घटा कर की कर दिया गया है थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट क्लियर है चलिए अब आपको बताते हैं कि ये बैंक रेट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है तो दोस्तों मान लीजिए ये है बैंक हमारा आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मैंने जैसे कि आपको कई बार बताया है कि जैसे हम अपनी बैंकिंग इन बैंकों के साथ करते हैं जितनी भी बैंकिंग होती हैं पब्लिक सेक्टर की हुई या फिर प्राइवेट सेक्टर की वैसे ही ये सारी बैंकें अपनी बैंकिंग करती हैं आरबीआई से यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया जो हुआ ये बैंकों का बैंक हुआ ठीक है तो मान लीजिए ये छोटी छोटी बैंकें हैं जिनको हम लोग जानते हैं ठीक है थीके? चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बैंकें हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हों इस पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है आप लोग जाकर देख सकते हैं चलिए अब ये सब बैंकें होंगे तो ये बैंकें अपनी बैंकिंग करेंगी आर के साथ ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ तो बैंकिंग करेंगी इसका मतलब है कि कुछ पैसे जमा करेंगी पैसे लेंगी भी उधार लोन भी लेंगी ठीक है तो दोस्तों जब ये जो छोटी छोटी बैंकें हैं ये जब आर से लोन लेती हैं तो लोन लेंगी तो इनको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तो जब लोन लेती हैं और उनको जो इंटरेस्ट दे देना पड़ता है उसी इंटरेस्ट को उसी इंटरेस्ट के रेट को कहा जाता है रेपो रेट क्या कहा जाता है रेपो रेट ध्यान से समझिएगा जब बैंकें आर से लोन लेती हैं और बदले में उनको जो, जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उस रेट को कहा जाता है रेपो रेट अब अगर मान लीजिए बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो बैंकें अपना पैसा जमा भी तो करेंगी आर के पास क्योंकि बैंकिंग कर रही हैं तो जब बैंकें अपना पैसा जमा करती हैं आर के पास तो जब जमा करेंगी तो उनको ब्याज भी मिलेगा इंटरेस्ट भी मिलेगा तो जमा पूंजी पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट यानी कि तब आर उनको इंटरेस्ट देता है ठीक है तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट आपको समझ में आ गया अब ये जो दोनों चीज़ें होती हैं अल्पकालीन होती हैं यानी थोड़े समय के लिए होती हैं अब अगर इसी में एक पॉइंट और जोड़ा जाए कि ये जो अल्पकालीन के लिए लोन लिया जा रहा है यानी रेपो रेट वाला जो टर्म है अगर इसी को दीर्घकालीन कर दिया गया जाए यानी कि लंबे समय के लिए कर दिया जाए तो फिर उसे कहेंगे बैंक रेट यानी कि जब लंबे समय के लिए ज़्यादा समय के लिए बैंकें जो होती हैं वो आर से लोन लेती हैं तो उस पर जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसे कहते हैं बैंक रेट ये तीनों टर्म आपको क्लियर होना चाहिए अब इसके घटाने बढ़ाने से आर का क्या इफेक्ट पड़ता है देश पर और देश की जनता पर क्या इफेक्ट पड़ता है बैंकों पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो देनी पड़ेगी वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी चलिए अब जान लेते हैं आर के बारे में आर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी एक अप्रैल उन्नीस को बाद में एक जनवरी उन्नीस को इसको नेशनलाइज़ कर दिया गया इसके पहले गवर्नर हुए ओसबर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर हुए सी डी देशमुख जी मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं दोस्तों शक्तिकांत दास जी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर किसे चुना गया तो एशियन पैरा गेम्स 2022 का दोस्तों शुभंकर चुना गया है फेई फेई को किसे फेई फेई को अब ये एशियन पैरा गेम्स 2022 होगा कहाँ पर तो ये होगा दोस्तों चाइना के होंग में कब होगा नौ से बारह अक्टूबर दो में ठीक है इस बार इसका चौथा संस्करण होगा जो होने वाला है और इस बार इसमें दो खेलों को और शामिल किया गया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आपको ध्यान रखना है कौन कौन से दो खेल हैं एक तो ताइकॉन्डो को पहली बार शामिल किया गया है और दूसरा है पैरा केनाइन तो पैरा केनाइन को भी पहली बार शामिल किया गया है तो ये दो खेल हैं इस बार पहली बार शामिल किए जाएंगे चीन के होंगो में इसका आयोजन होगा 2022 में एशियन पैरा खेल का जिसका मस्कट चुना गया है फेई फे को क्लियर है अभी कुछ ही दिन पहले एक और क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड ही कि द स्मार्ट ट्रिपलेट को जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है द स्मार्ट ट्रिपलेट को दोस्तों उन्नीसवें एशियाई खेलों का शुभंकर चुना गया है इसे ध्यान रखना आपको एशियाई खेलों का अगर शुभंकर पूछा जाए तो द स्मार्ट ट्रिपलेट और एशियन पैरा खेल का ठीक है पैरा खेल आप लोग जानते हैं पैरा एथलीट के भी होता है उसका शुभंकर पूछा जाए तब आप बताएंगे फेई फे नेक्स्ट फे बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसने सहयोग नामक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो अभी हाल ही में सहयोग नामक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों डी ने डी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार तो भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है सहयोग नाम का एक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म ये क्यों लॉन्च किया गया है इस पोर्टल के सहयोग से होगा ये दोस्तों कि कोविड नाइन्टीन महामारी के समय में एरिया स्पेशल स्ट्रेटजी अपनाने में मदद मिलेगी एरिया स्पेशल स्ट्रेटजी का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में जिस क्षेत्र में जो स्ट्रेटजी चल रही है कोविड नाइन्टीन के रिकवरी के लिए उसी स्ट्रेटजी को के अनुसार वहाँ पर निर्णय लिया जा सके डिसीजन लिया जा सके यानी इसके लिए हम लोग कहें कि सभी पूरे देश के जितने भी एरिया की जो भी स्ट्रेटजी है जो भी सिस्टम्स वहाँ के हैं सबको एक साथ कनेक्ट किया जाएगा एकीकृत किया जाएगा ठीक है यही है एकीकृत भूस्थानीय प्लेटफॉर्म ओके okay? अब इसके साथ साथ इसमें और भी जो फंक्शन है जो कि सब में होते हैं लगभग कि पब्लिक अवेयरनेस फैलाना ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के बारे में बताना सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बताना कि कैसे खुद की चेकिंग करेगी कोरोना वायरस है कि नहीं ये सारी भी जानकारियाँ इसके थ्रू प्रोवाइड की जा सकेंगी ओके okay? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है एस ने कब तक के लिए ए टी पर सेवा शुल्क माफ़ करने की घोषणा की तो एस ने दोस्तों तीस जून दो तक के लिए ए से लेन देन पर ए से ट्रांजेक्शन्स पर ए का सर्विस चार्ज लगा करता था यानी किसी भी ए से ट्रांजेक्शन करने की अब कोई लिमिट चार्ज नहीं लगेगी ठीक है तो एस ने किया है 30 जून 2020 तक के लिए फ्री अब हम लोग बात करते हैं एस के बारे में एस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दोस्तों देश का सबसे बड़ा पी है यानी पब्लिक सेक्टर का बैंक है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है अभी ये चर्चे में इसलिए आया था क्योंकि इसने एस बैंक की उनचास परसेंट हिस्सेदारी खरीदी थी सात हज़ार दो सौ पचास करोड़ रुपए में और कितने खरीदे थे शेयर सात सौ पच्चीस करोड़ शेयर खरीदे थे यानी दस रुपये पर शेयर के हिसाब से ठीक है एस की स्थापना हुई एक जुलाई उन्नीस को इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके वर्तमान में चीफ हैं रजनीश कुमार जी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसे एम के सी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया तो अभी हाल ही में पी के पुरवार जी को एम टी एन एल का सी एम डी पद का यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पी के परिवार हैं कौन फिर पी के परिवार हैं दोस्तों बी एस एन एल के सी एम डी ये वर्तमान में बी एस एन एल के सी एम डी हैं और पिछले छः सालों में ये तीसरी बार एम टी एन एल का सी एम डी का प्रभार पाए हुए हैं ठीक है ठीके? प्रभार का क्या मतलब होता है अतिरिक्त प्रभार का अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये होता है कि जब उसके चीफ पद पर कोई ना हो तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट के किसी उच्च अधिकारी को क्लियर है जैसे ये बी हुआ तो बी के चीफ ये हैं तो इनको दे दिया गया एम का भी प्रभार क्लियर है तो ये एम को भी संभालेंगे अब एम क्या होता है एम का मतलब होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये बी का ही एक सब यूनिट हम लोग कह सकते हैं उसी का ही एक पार्ट है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 को और इसका हेडक्वाटर है नई दिल्ली में नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है सत्रह अप्रैल दो हजार बीस को मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय क्या रखा गया यानी थीम क्या रखी गई तो इसकी थीम है इस बार गेट प्लस इन्वॉल्व क्या है गेट प्लस इन्वॉल्व तो सत्रह अप्रैल दो हजार बीस को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष ये सत्रह अप्रैल को ही मनाया जाता है ठीक है अब ये हीमोफीलिया क्या होता है हीमोफीलिया होता ये है दोस्तों एक प्रकार के से हम लोग कह सकते हैं कि अनुवांशिक ब्लडिंग डिसऑर्डर होता है ठीक है तो इस अनुवांशिक ब्लडिंग डिसऑर्डर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को इसके बारे में बताने के लिए इसके उपचार के लिए अगर लक्षण उनको दिखे तो इसके उपचार वो कराएँ इस वजह से इस प्रकार के अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष सत्रह अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस क्लियर है अब सत्रह अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों सत्रह अप्रैल को ही इसी दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जो एक स्थित है कनाडा में उसके जो संस्थापक थे फ्रेंक्स राबेल उनका जन्मदिन होता है तो फ्रेंक राबेल के जन्मदिन की याद में सत्रह अप्रैल को उनके सम्मान के लिए यह मनाया जाता है इन्होंने ही वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की थी क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है किड्स टेलीविजन चैनल पोगो ने छोटा भीम के प्रसारण के लिए किस चैनल के साथ साझेदारी की है तो पोगो ने दोस्तों छोटा भीम के प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए डीडी नेशनल के साथ साझेदारी की है छोटा भीम आप लोग जानते होंगे बहुत ही पॉपुलर एक प्रोग्राम है बच्चों के लिए किड्स प्रोग्राम है तो इसके लिए डीडी नेशनल के साथ साझेदारी की है पोगो ने क्योंकि ये पोगो पर आता है ओके तो अब पोगो जो है वो डीडी नेशनल पर ये शो का ब्रॉडकास्टिंग करेगा कब तक करेगा तीन मई तक करेगा जब तक लॉकडाउन चल रहा है तो इसके लिए साझेदारी किया है डी नेशनल के साथ अब आया है डी नेशनल डी नेशनल के बारे में अभी उस दिन मैंने आपको बताया था कि डी डी नेशनल जो है वो प्रसार भारती का ही पार्ट है प्रसार भारती के दो पार्ट हैं एक तो है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है एक वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है जिसे हम लोग जानते हैं ए के नाम से ऑल इंडिया रेडियो के नाम से और एक है ये दूरदर्शन जिसे हम लोग डी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी डी नेशनल उसी का चैनल है तो जो प्रसार भारती है उसका रेडियो वाला जो ब्रॉडकास्टिंग है वो है ए आई आर और जो टेलीविजन का जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है वो है डीडी नेशनल तो अभी हाल ही में प्रसार भारती ने डी डी रेटरो नाम का एक चैनल शुरू किया था तो डीडी रेट्रो का नाम आपको याद रखना है क्लियर है फिलहाल आया है प्रसार भारती उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है उन्नीस में हुई थी इसकी स्थापना और इसके वर्तमान में हेड हैं ए सूर्य प्रकाश सी क्लियर है दोस्तों वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और चैनल पर अगर पहली बार आए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी आपको अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था शुरुआत में तब मैंने आप लोग के घर पे पढ़ाई करने के लिए दो मंथ की ई बुक फ्री कर दी थी जनवरी और फरवरी मंथ की अप्लीकेशन पर तो अब ये ऑफर खत्म होने वाला है बीस अप्रैल को ठीक है बीस अप्रैल के पहले पहले अप्लीकेशन पर जाइए और जनवरी और फरवरी मंथ का फ्री में ईबुक डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया गया तो बनाया गया दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी को डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड तो डब्ल्यू इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए इनको राजदूत बनाया गया है एम्बेसडर बनाया गया है विश्वनाथन आनंद जी को विश्वनाथन आनंद कौन है ये दोस्तों शतरंज के महान खिलाड़ी हैं पाँच बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं भारतीय खिलाड़ी हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में कौन सी लीग का तेरहवाँ संस्करण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया दोस्तों तो इंडियन प्रीमियर लीग जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग आईपीएल पी तो आई का तेरहवां संस्करण जो है वो अनिश्चित काल के लिए फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है यानी पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चित काल यानी कि अभी डेट डिसाइड नहीं है ठीक है तो बी ने इसे किया है बी मैंने आपको बताया था भारत के क्रिकेट का ये कंट्रोल बोर्ड है यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है इसके उपाध्यक्ष अभी महिम वर्मा ने इस्तीफा दिया था तब ये आया था चर्चे में ध्यान रखना है उपाध्यक्ष महिम वर्मा ने इस्तीफा दिया था बी के जो थे बी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी वानखड़े स्टेडियम में है इसका हेडक्वार्टर और अभी हाल ही में दोस्तों इंडिया के चीफ सेलेक्टर चुने गए थे इंडियन क्रिकेट टीम के सुनील जोशी जी उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है फिलहाल हम लोग आई पर फोकस करते हैं आई का तेरहवां ये संस्करण था यानी बारह संस्करण इसका हो चुका है तो अभी इस बारह संस्करण में सबसे ज़्यादा बार एम ने यानी मुंबई इंडियंस ने जीता है चार बार ये आई का खिताब सेकेंड पोजिशन पर है सी यानी चेन्नई सुपर किंग जिसने जीता है तीन बार खिताब इसे भी ध्यान रखना है पूछा जा सकता है अगला है हाल ही में किसने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो अभी हाल ही में दोस्तों तमस अजान ने तमस अजान थे आई के अध्यक्ष आई का मतलब होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन तो इसके ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं क्यों दिए हैं इनके ऊपर दोस्तों भ्रष्टाचार के आरोप थे साथ ही साथ डोपिंग के उल्लंघन के भी आरोप थे तो इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आई के कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए उर्सुला पाम्ड्रिया कौन उर्सुला पांड्रिया को अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है तब तक के लिए क्लियर है बिल्कुल चलिए तो बस दोस्तों ये तो था आज के दिन का टॉप टेन करंट अफेयर कैसे लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ से शेयर करना मत भूलिएगा चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन डे की आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए हाल ही में किस राज्य ने एपी इंडस्ट्रीज कोविड नाइन्टीन पोर्टल लॉन्च किया अगला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एम और सीई कौन है दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे तो उनके नाम हैं श्याम शेर कुमार मनु पांडे मोहम्मद एहताम अली भीम शेर पूनिया सावंत शर्मा साबिर आलम ज्योति पचौरी पूजा चौधरी चांद बाबू मिथुन कुमार शुभम कुमार चरण सिंह सुरभि गुप्ता विजय यादव नरेंद्र मीणा इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो और सबसे पहले आंसर करने का प्रयास किया करो तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तो तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम